नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। पश्चिमी घाटियों के साथियों के गिरोह की मदद से शिवाजी ने कई किलों पर कब्जा जमाया और औरंगजेब के सिपह सालारों को खूब परेशान किया। दक्कन के मुगल हाकिम उसे इतने खौफजदा थे कि वो अपनी हिफाजत के लिए उसे धन देने लगे। यही वो चौथ यानी लगान का चौथा हिस्सा था जिसे मराठा जहां जाते वहां वसूल करते। इस तरह मराठा शक्ति बढ़ती गई और मुगल सल्तनत कमजोर होती गई। संपतराव जी, विश्वास नहीं होता कि यहाँ की सारी जमीन कभी बंजर थी। सब शिवाजी महाराज के करामात है। उन्होंने शुरू में ही ठान लिया था कि यहाँ के कुनबी और किसानों की जिंदगी बदल दूंगा। इससे तो कुनबी खुश हुए, लेकिन महाराज ने अपनी बिरादरी वालों के साथ कई बार ठीक से सुलूक नहीं किया। जावली के चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो? बिरादरी वाले तो थे मगर रैयत के दुश्मन जो ठहरे। तुम चंद्रराव मोरे की बात कर रहे हो, महाराज ने संभाजीराव मोहित तक को सबक सिखाया जो महाराज के मामा लगते थे। लेकिन स्वराज के असली दुश्मन ठहरे आदिलशाही और मुगलिया सल्तनत। हाँ, मगर दोनों के खिलाफ महाराज एक साथ कैसे लड़ते? जब सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह स्वर्गवासी हुए तो औरंगजेब जो दक्कन का सूबेदार था बीजापुर हथियाने की कोशिश में लग गया। तब शिवाजी महाराज ने संदेशा भेजा कि वो उनके साथ मिलकर बीजापुर के साथ लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इससे उन्हें क्या मिला? अरे भाई, वो मुगलों से ये जो चाहते थे कि वो उन्हें स्वतंत्र सत्ता माने, ना कि बीजापुर का बागी सरदार। और औरंगजेब मान गए? अरे वो बड़ा चतुर था, उसने कोई पक्का वादा नहीं किया। तो फिर क्या, महाराज ने मुगल इलाकों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। जब बादशाह शाहजहां की बीमारी की खबर मिली तो औरंगजेब ने कहीं जाकर शिवाजी महाराज को संदेशा भेजा रघुनाथ पंत के साथ, जो औरंगजेब के दरबार में शिवाजी की तरफ से दूत बना हुआ था। पहले तो तुम्हारा शिवाजी राजा मदद का पैगाम भेजता है और फिर मुगल इलाकों में लूटमार मचाता है, ये आखिर क्या मजाक है? हुजूर, शिवाजी राजे अपने किए पर पछता रहे हैं, उनकी दरख्वास्त है कि उन्हें माफी बख्शी जाए। इसके अलावा? और जिन किलों और इलाकों पर उनका कब्जा है हुजूर, उन्हीं के पास रहने दे।
शिवाजी राजे तो आपकी ओर से सिर्फ उनकी देखभाल करेंगे। शिवाजी की हिमाकतें तो ऐसी नहीं हैं कि बख्श दी जाएं, मगर उसने अफसोस जाहिर किया है, लिहाजा हम उसे माफ कर देते हैं। हुजूर की इनायत है, शिवाजी राजे हलफ उठाते हैं कि वो उनके पिता के जागीर का इलाका, कोकण का इलाका, मय किलो के निजामशाही का वो इलाका जिस पर आज आदिलशाही का हक है, उसे महफूज करके सिर्फ आपके लिए उसकी देखभाल करेंगे। 500 घुड़सवारों का रिसाला लेकर सोनू पंत को हमारी खिदमत में पेश किया जाए, तभी हम शिवाजी की दरख्वास्त पर तवज्जो करेंगे। जो हुकुम। मीर जुमला, शिवाजी के कॉल पर एतबार नहीं किया जा सकता, उस पर निगाह रखो। बंदा कोई कोताही नहीं बरतेगा हुजूर। और अहमदनगर के सूबेदार को भी आगाह करो कि मुगल फौजों के हटते ही शिवाजी शहर पर हमला कर सकता है। शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के बजाय कल्याण पर धावा बोला, जहां बहुत सारा शाही खजाना जमा था। वहां से आगे बढ़े और कई और गढ़ों पर अधिकार जमाए, जिनमें सबसे कीमती था माहुली। आई साहिबा, हम आपके लिए खुशखबरी लाए। शोभा, आप तंदुरुस्त हैं, खुश है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये लीजिए, माहुली के किले के खजाने की चाबियां। माहुली का किला? राजे, क्यों पुराना जख्म हरा करते हो? हाँ साहिबा, वो दिन हमें आज भी दिखाई पड़ता है। आपके आबा साहेब माहुली का किला उतर कर नीचे गए पैदल, सर पर पगड़ी नहीं, कमर में तलवार नहीं, साथ में नन्हे मुर्तजा शाह। माहुली छीन गई, बिना शर्त समर्पण करना पड़ा था। उस दिन इच्छा हुई थी कि किले से फलांग कर हम अपनी जान दे दें। आई साहिबा, अगर आज आपके पिता यहां होते। हमारा घुड़सवार बंगलोर के रास्ते पर है, हम माहुली का किला आबा साहेब को सौंपना चाहते हैं। नहीं राजे, उन्हें सुल्तानी ममानियत है। होगी, किला उन्हें हम पेश कर रहे हैं, सुल्तान से हमें क्या डर। बेड़ियों से बंधा हुआ इंसान उनसे दुलार करने लगता है, क्यों नहीं तलवार उठाकर बंगलोर से बाहर निकले। आई साहिबा, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। औरंगजेब शाही तख्त पर अपना हक जमाने के लिए दिल्ली की तरफ पड़ रहा है। भाई भाई के बीच महाभारत होगा दिखता है, हम किसकी मदद करेंगे राजे। ये मुगलों का आपसी मामला है, वो निपटते रहें, हम तो मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इस वक्त जितना इलाका, जितने किले छीनते बने छीनेंगे। शुक्र है खुदा का कि शहजादा औरंगजेब दिल्ली लौट गए, परसों से वह हमारे लिए खतरा बने रहे। हमने बाहरी दुश्मनों से तो नजात पाई है, मगर हमारे अंदरूनी दुश्मन चूहों की तरह यहां वहां सल्तनत को कुतरने की हिमाकत कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम उन चूहों को मार भगाए, बल्कि उनकी बिलों को हमेशा के लिए मूंद दिया जाए। बड़ी साहिबा, जिन्होंने वफादारी की कसमें खाई हैं, वही बगावत को बढ़ावा दे रहे हैं। जो फर्जंदाए सल्तनत आदिलशाही कहलाते हैं, वही अपने बेटे को तबाही करने पर उकसाए तो सल्तनत का क्या होगा। बड़ी साहिबा, हमें बिलावजह जलील किया जा रहा है, हमारे दुश्मन हम पर कीचड़ उछालकर हमें बदनाम करना चाहते हैं। राजा शाहजी भोसले, आप समझदार हैं, हमारी सल्तनत के पुराने खादिम हैं, हमें उम्मीद थी कि आप अपने बेटे को सही रास्ता दिखाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आप अपने बेटे की हरकतों से इत्तेफाक रखते हैं, या हम ये मान ले कि फर्जंद सल्तनत को सल्तनत से ज्यादा अपने फर्जंद की परवाह है। बड़ी साहिबा, हम तो सल्तनत के सिपाही हैं, सामने जाकर लड़ना हमारा धर्म है। राजनीति की गंदी गलियों में घुसने का हमें कोई तजुर्बा नहीं। फिर आप अपने बेटे को रोकते क्यों नहीं, उस पर जोर डालिए कि तमाम किले और इलाके सल्तनत को लौटा दे। बड़ी साहिबा,
हम अपने बेटे के साथ बरसों से कतई ताल्लुक कर चुके हैं, अब हमारा उस पर कोई जोर नहीं। उस पर जोर डालकर हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। सल्तनत जिस तरह चाहे उसके साथ सुलूक करे, हम कुछ न कहेंगे। अगर हम ये हुक्म दें कि राजा शाहजी फौज लेकर जाए और अपने बेटे शिवाजी का सर कुचल दे तो? मेरे लिए नामुमकिन बड़ी साहिबा, बाकी आपके हाथों में। तब हमारे पास आपको कैद करने के सिवा कोई और चारा नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कौन है जो इस जिम्मेदारी को उठाने की पहल करेगा। एक मामूली वतनदार हमारी सल्तनत को चुनौती दे रहा है और हमारे बहादुर जमीन ताक रहे हैं। गुस्ताखे माफ बड़ी साहिबा, शिवाजी इस वक्त मामूली वतनदार नहीं है। उसके हाथ में इस वक्त 40 किले, कई सौ घुड़सवार और 50,000 पैदल सिपाहियों की फौज है। हमारी फौज से निकाली गई पठान टुकड़ियां भी अब उससे जा मिली हैं। उसका सारा इलाका पहाड़ियों जंगलों से घिरा है, जहां से वो छिपकर छापे मारता है। शिवाजी से सामने लड़ना मुमकिन नहीं, वो सामने आता ही कहां है। यानी आप सब लोग उससे इतने खौफजदा हैं कि मुकाबले के नाम से किकी बंद हो जाती है, फिर हमें ही उसका बंदोबस्त करना होगा। इस बंदे के रहते बड़ी साहबा को जहमत उठाने की जरूरत नहीं। जीते रहो अफजल खां, हमें तुम पर नाज है। मैं हुजूर के सामने हलफ उठाता हूं कि शिवाजी मरहटे को मैं उसके टट्टू के उठा लाऊंगा और मुझे घोड़े से भी नहीं उतरना पड़ेगा। खुले मैदान में उतरकर मुकाबले के लिए तैयार ना हो तो तुम्हें उसे फरेब से घेरना होगा। डरा फुसलाकर उसे ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसे माफ कर बहाल करने को तैयार हैं। जैसे भी हो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। आप बेफिक्र रहें बड़ी साहिबा, उसे पकड़कर मैं आपके सामने लाऊंगा। जिंदा या मुर्दा ये अल्लाह तय करेगा। निकलने से पहले सारे देशमुखों और मराठा सरदारों को हुक्म भेजो कि वो शिवाजी के खिलाफ हमारी मदद करने को तैयार रहे, वरना हम उनकी जागीरें जब्त कर देंगे। सुल्तान अली अदिल शाह वाली विजापुर का अजराह नवाजिश शाही फरमान कान्होजी जेधे के नाम। सन सुहूर 1059, शिवाजी ने हमारे इलाके के कई किलों पर नाजायज कब्जा जमा कर रखा है। उसे वहां से बेदखल करने और शिकस्त देने के गर्ज से हमने खाने आजम अफजल खां जंग बहादुर को उस सूबे का सूबेदार मुकर्रर किया है। लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप उनके कहने के मुताबिक चलें। आप इसे अपना फर्ज समझकर शिवाजी को कुचलने और नेस्तोनाबूद करने की हर मुमकिन मदद करें। लगता है हमें कुचलने की पूरी तैयारी की गई है। आबा साहब ने क्या रवैया अपनाया? सुना है उन्होंने आपके मामले से हाथ खींच लिया है। तो और कर भी क्या सकते हैं। अफजल खां कितनी फौज लेकर आ रहा है? 12,000 घुड़सवार, 1200 के करीब ऊंट, 70 हाथी और कई छोटी बड़ी तोपें। आदमी तो हमारे पास ज्यादा हैं, लेकिन ना इतने घोड़े और ना इतनी तोपें। राजे, हमारे लिए क्या आदेश है? ये साजी, हम अफजल खां से लड़ेंगे लेकिन मैदान में नहीं। जंग वहां होगी जहां हम चाहेंगे। आप सारे किलेदारों को आगाह करो कि सतर्क रहें और हमारा कोई आदमी खान से ना भिड़े। और कान्होजी जेधे को क्या जवाब दे? लिखो, शिवाजी राजे की ओर से कान्होजी जेधे, टापे भोर, किला रोहिदा। आपने जो पत्र भेजा उससे सब कुछ मालूम पड़ा। आपने लिखा है कि खान आजम अफजल खान ने आपको जावली बुलाया है, जहां की ओर वो खुद फौजें लेके चल पड़ा है।
खाने आजम के साथ आपके कई बरसों के संबंध हैं, इसलिए आपको जाना होगा। लेकिन जाने से पहले आप जमानत मांगिए, क्योंकि वो दगा देने में माहिर हैं। इस काम के लिए अपने बेटे या किसी दूसरे को भेजिए, स्वयं हरगिज मत जाइए। आप समझदार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अफजल खां आपको पकड़ने आ रहा है, अब आने दो। राजे अफजल खां को आपसे खानदानी बैर है, उसी ने आपके पिता को बेड़ियां पहनाकर जिंजी से बीजापुर तक घुमाया था। उसी ने कनकगिरी की लड़ाई में आपके बड़े भाई संभाजी राजे को धोखे में रखकर उनकी जान ले ली थी। और अब अगर खान मराठा रियासत में घुस आया तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमने जावली जाने का फैसला किया है। आप और शंभू राजे यहीं रहेंगे। बारिश सर पर है और जावली जंगल, खान हमें ढूंढता हुआ जावली के जंगल में घुसेगा, घुसेगा और फंसेगा। राजे, कान्हो जी जेधे आपसे भेंट करना चाहते हैं। कहिए कान्हो जी, खाने आजम के लश्कर में आप नहीं गए? केदार जी खोपड़े और खंडो जी खोपड़े तो राजी खुशी उनके साथ मिल गए। साहेब, उन्हें अपने जागीरों का डर है। और आपको नहीं है? साहेब, आपके पिता राजे शाहजी महाराज के कहने पर मैंने आपकी सेवा की, मैं वचनबद्ध हूं। मैं और मेरे पांच बेटे साहेब की तरफ से लड़ेंगे, चाहे मेरा वतन किसी के हाथ जाए, हम वचन नहीं तोड़ेंगे। मराठा राज्य के लिए आप वतन त्यागने को तैयार हैं? साहेब के लिए वतन का त्याग भी कर दूंगा। पंता जी, पानी का कलश लाइए। आप हाथ पर पानी डालकर जागीर त्यागने का शपथ ले सकते हैं? बिल्कुल। मैंने पानी डालकर शपथ लिया है कि वतन त्याग कर वचन देता हूं कि मरते दम तक राजे शिवाजी साहब का साथ मैं और मेरे पांच बेटे देंगे। अब आप जाइए और मावल के बाकी देशमुखों को इकट्ठा करके उन्हें भी राजी कीजिए। हमें जिसका डर था वही बात हुई। जावली के जंगलों में लड़ना आसान काम नहीं है। हम इस इलाके के पहले भी सूबेदार रह चुके हैं। कान्हो जी जेधे कहां मर गए? वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता है। हुजूर, वो तो शिवाजी से मिल गया है अपने पांचों बेटों के साथ। खबर है उसने अपनी जागीर पर पानी बहा दिया है। इतना ही नहीं, बाकी देशमुख भी तोड़ रहा है। इस वक्त हमें प्यादों की नहीं बादशाह की फिक्र है। उसके हारते वो खुद ब खुद पनाह मांगने आ जाएंगे। सिद्धिलाल, ये फल्टन का जागीरदार शिवाजी का साला है ना? जी हुजूर। तो उस पर हमला बोलो और उसे गिरफ्तार कर लो। अब हमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा और उनके कुछ मंदिर भी तोड़ने होंगे। वहां का बड़ा खजाना हमारे काम आएगा। लेकिन हुजूर, पूना की तरफ कूच कब करेंगे? पूना जाना ठीक नहीं होगा। कैसा होगा सिद्धिलाल की हम वाई पहुंचकर शिवाजी को मिलने की दावत दें और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं? ठीक है, लेकिन इस काम के लिए एक मोतबीर एलची भेजना होगा। ऐसा आदमी जिस पर शिवाजी को यकीन आ जाए। राजे, खाने आजम अफजल खां साहब के वकील कृष्णा जी शास्त्री। स्वागत है कृष्णा जी शास्त्री। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा वेद शास्त्री विद्वान इस मंदिर में विराज रहा है। आप तो जानते होंगे इसे रामदास स्वामी ने बनवाया था। कहिए वही से यहां तक की यात्रा कैसी रही? रास्ता टेढ़ा है और खतरनाक भी। डरने की कोई बात नहीं, खतरा जंगली जानवरों का है।
हमारी खुशकिस्मती है कि खान आजम ने हमें याद फरमाया। खान आजम आपको अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। शुभकामनाएं तो पंढरपुर और तुलजापुर से मिल चुकी हैं। खान आजम अगर हमसे खफा हैं तो ये गुस्सा मंदिरों और गरीब रियाया पर क्यों उतारते हैं? इसे नादान अधिकारियों की गलती समझिए राजे, खान आजम को भी इसका सख्त मलाल है। कहिए खान आजम का हमारे लिए क्या हुक्म है? वो आपसे दोस्ती चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका इरादा क्या है। ये तो खान आजम के इरादों पर निर्भर है। हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, हम तो समझौता करना चाहते हैं, लेकिन खान आजम की मंसूबों की जिम्मेदारी कौन ले सकता है? कहीं वो हमसे दगाबाजी कर बैठे तो? दगाबाजी की गुंजाइश ही नहीं राजे, आप तसल्ली रखें। शास्त्री, आप माता भवानी के दरबार में बैठे हैं, क्या आप माता के सामने सौगंध खाकर कह सकते हैं कि अफजल खां की नियत में कोई खोट नहीं? बोलो शास्त्री, यकायक चुप क्यों हो गए? चाकर भले हूं तुर्कों का, मगर पैदा हुआ हूं ब्राह्मण परिवार में, भवानी माता के सामने झूठ नहीं बोल सकता। तो बताइए, हम अफजल खां से भेंट करें या नहीं? भेंट से तो आप बच नहीं सकते, मगर मैंने जो विजापुर में अफवाहें सुनी थी उनसे लगता है कि आपके साथ विश्वासघात होगा। और मत कहलवाइए, मैं अपने आका का नमक ख्वार हूं और देवी के आगे झूठ भी तो नहीं बोल सकता। एक बेचारे ब्राह्मण की परीक्षा मत लीजिए राजे। हम आपकी परेशानी समझते हैं कृष्णा शास्त्री, हमारी तरफ से खान आजम से एक गुजारिश कीजिए। याद रहे, मंदिर में झूठ बोलने से हम भी डरते हैं। सच तो यह है कि हम खान और उनकी फौजों से खौफ ज्यादा हैं, इसलिए उनके पड़ाव में जाने से हम कतराते हैं। आप उन्हें हमसे यहां पार में मुलाकात करने पर राजी कीजिए। साथ में सिर्फ चार आदमी लेकर आएंगे और हम भी ऐसा ही करेंगे। देवी भवानी आपकी रक्षा करें। इस मुलाकात से हमें न जाने क्यों बेचैनी हो रही है। अफजल खां का दूसरा नाम है दगाबाजी, आप सावधान रहें। आपकी और देवी की कृपा से हम कामयाब रहेंगे। कल रात देवी ने हमें दर्शन भी दिए, ऐसा लगा जैसे वो हमें आशीर्वाद दे रही हैं। आप परेशान ना हो। हुजूर, तयशुदा शर्तों के मुताबिक तो सिर्फ दो ही खिदमतगार जा सकते हैं। इतने सारे सिपाहियों को देखकर राजे डर जाएंगे। अगर वो वापस लौट गए तो फिर मुलाकात कैसे हो पाएगी? दुरुस्त है कृष्णाजी पंडित, यह गलती कैसे हुई? हमारे साथ सिर्फ एक ही हशम जाएगा, जाओ तो एक आध सिपाही साथ ले लेना। जो हुक्म हुजूर, आप लोग वापिस जाइए, वापिस जाइए, वापिस जाइए। राजे खां चल पड़ा है। हम भी तैयार हैं। आपके साथ कौन जाएगा? संभाजी भावजी और जीवा महाला साथ चलेंगे। सिद्धि इब्राहिम 10-12 लोगों के साथ कुछ दूरी पर रहेंगे। राजे क्या आप ही को जाना पड़ेगा? मेरा मतलब है और नहीं, कोई? हमें ही जाना होगा। पता नहीं अफजल खां की मंशा क्या है। तोप का इशारा मिलते ही तुम आक्रमण शुरू करना। मेरे आदमी सब तैयार है राजे। ये साजी, अगर हम लौट कर नहीं आते। राजे अशुभ मत बोलिए। अगर हम लौट कर नहीं आते तो हमारे अष्ट प्रधान बाल राजे को गद्दी पर बिठाकर मां साहिबा की सलाह से हमारा काम आगे बढ़ाना।
इब्राहिम जी, ये खान के पीछे कौन है? सैयद बंडा है हुजूर, ये जबरदस्त पटेबाज है। जी वाह। जी रजे। इसको देख लो, इस पर से नजर मत हटाना। जी रजे। खाने आजम अफजल खान, जंग बहादुर सिपह सालार, महाराज शिवाजी भोसले। तो तुम ही हो फर्जंदे सल्तनत आदिल शाही, शाहजी के बेटे शिवाजी। महीन हो मगर जहीन दिखते हो। जनाब की इनायत है। तब तो तुम हमारे पुराने दोस्त और साथी के फर्जंद हो। आओ बेटे, दूर क्यों खड़े हो, हमसे गले मिलो। औरंगजेब दिल्ली में बादशाह बन चुका था। उसने यह समाचार पाया तो चुप रहा, वो चतुर था। फिर महाराज ने बंधावा भेजा तो उसने भी सिरों पर रवाना किया, लेकिन फिर भी महाराज ने मुगल इलाकों को नहीं छोड़ा। फिर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। हाँ, शाइस्ता खां 77,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सिपाही लेकर रास्ते में तबाही मचाता हुआ पुणे पहुंचा और लाल महल में महाराज के रिहाइश वाले महल में डेरा डाला। महाराज ने कुछ प्रतिकार नहीं किया? कैसे करते, अफजल खां की मौत की खबर मिलते ही बड़ी बेगम ने विशाल सेना महाराज को पकड़ने के लिए भेजी और महाराज कोल्हापुर के पास पन्हालगढ़ में घिर गए। कुछ 4-5 महीनों के बाद रात के अंधेरे में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, महाराज वहां से भागकर राजगढ़ पहुंचे। मगर पुणे में शाइस्ते खां जो बैठे थे वो फिर कभी। इसी बीच शाहजी महाराज अपने बेटे से मिलने स्वराज्य में पधारे। कितने बरस बीत गए बेटे, अब तो तुम खुद बेटों के बाप बन गए हो। रानी साहिबा, हमें लग रहा है कि हम आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, 30 बरस पहले का, है ना? जी महाराज। माहौली पर तुम्हारे विजय की खबर सुनी तो आंखें भर आईं, तभी से तुम्हारे दीदार के लिए आंखें तरस रही हैं। राजे, आपके पिता भावुक है, ये कविता और शायरी का शौक करते हैं। राजे, कविता और शायरी के शौक ने ही हमें तुम्हारी माँ साहिबा के व्यंग को समझने और सीखने की ताकत दी है। माहौली का किला आपके चरणों में भेंट करना चाहता था आबा साहेब, मगर माँ साहिबा ने कहा आपको शाही मुमानियत है। हाँ, इन्हें डर लग रहा होगा कि कहीं हम आदिल शाह को तुरंत किला लौटा न दें। लेकिन आदिल शाही में अब वो दम नहीं रहा, तुम्हारे खिलाफ अफजल को भेजना उनके तरकश का आखिरी तीर था। उसके बाद भी वो कहाँ चुप बैठे हैं। तुम एक ऐसा समझौता कर लो जिससे दक्कन के सारे राज्य एक साथ मिलकर रहें। स्वराज्य को मजबूत करना है तो आदिल शाह के इलाकों को शामिल करना ही होगा। वे तुम्हें ऐसा करने दे तब ना, वे तो खुद ही पूरे दक्कन पर अपना हक जमाना चाहते हैं। निजामशाही का हश्र तो तुम देख ही रहे हो। यानी हम मिलकर मुगलों के खिलाफ दक्कनी महाज खड़ा करें, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन दक्कनी सल्तनतों में अब इतनी सख्त नहीं रही। यही ख्याल आपको 10 साल पहले आया होता। हाँ, ये भी सच है। तो अब एक तरफ हमारा राज और एक तरफ मुगली साम्राज्य। ईश्वर ने चाहा तो यहां तुम और कर्नाटक में वेंकोजी राजे।
इस सागर से उस सागर तक भोसले वंश का झंडा फहरेगा। अब मुझे शायस्ता खां को लाल महल से निकालना है। एक साल हो गया वो वहां पूना में पड़ाव डाले पड़ा है। आप आदेश दीजिए राजे, शाइस्ता खान पर हम टूट पड़ेंगे। तलवार मैन में पड़ी पड़ी जंग खा रही है। नहीं ताना जी, हमारी ये मारो भागो वाली युद्ध नीति अब काम नहीं आएगी। हमें कोई नई जुगत भिड़ानी पड़ेगी। राजे, पुणे से एक फकीर आए हैं। फकीर भेजो भेजो। कहिए बहिर जी नायक, कोई संदेशा लाए हैं? शरीफ जी, औरंगाबाद करके लिए अष्टमी का मुहूर्त सुबीते का है राजे। उस रोज दूल्हा आधी रात को भंग पिएगा, खादिम जाम लेकर सेवा में हाजिर होगा। ये सर जी, हम अष्टमी की रात को लाल महल पर धावा बोलेंगे। हमें हजार हजार सिपाहियों की दो टुकड़ियां चाहिए जो पीछे से हमारी सुरक्षा करेंगी। हमारे साथ अलग से 400 सदैव योद्धा चलेंगे। हम स्वयं 20-30 आदमियों को लेकर महल में घुसेंगे। मगर सारे पुणे शहर में शाइस्ता खां की फौजें फैली हुई हैं। जसवंत सिंह के हजारों सिपाही हैं। हर चौक और चौराहे पर दिन रात का पहरा लगा हुआ है। जब शाइस्ता खां नींद में गाफिल होगा तब उस पर हम अचानक टूट पड़ेंगे। वो सपने में भी नहीं सोचेगा कि हम ऐसा दुस्साहस कर सकते हैं। राजा का लाल महल था जिस पे शाइस्ता खां का हक था। समय भी आधी रात का था, खान भी नींद में गाफिल था। चला राजा जो धनुष का तीर जी 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 जी, चला राजा जो धनुष का तीर जी 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 जी। काट के सिपाही पल भर में घुसा शिवराज सेज घर में। खान की आंख खुली तो क्या, सामने मौत खड़ी है क्या। यकायक चिल्लाई बेगम, शमा को बुझा दिया उस दम। खान की जाती थी अब जान, लपक कर उसने भरी कुदान। राजा ने वार किया तो जरूर, मगर किस्मत को न था मंजूर। अंधेरे में दिखता कुछ भी न, खान की कटी उंगलियां थी न। सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी, सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी, सेनापति दुम दबा के भागा जी 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 जी। सुना है आप पूना गए थे। आई साहिबा, हम पूना से आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। औरंगजेब बादशाह के मामा अमीर उल उमरा नवाब बहादुर मिर्जा अबू तालिब जनाब शाइस्ता खान अपनी तीन उंगलियां हमें सौंप कर खुद अंधेरे में लाल महल से गायब हो गए। शुभा, हमें वचन दे दो कि ये इस तरह की आखिरी मुहिम थी। आप अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। हमारी उम्र देखो। अब सीधे औरंगजेब से मुकाबला है और आप। शिवाजी महाराज जानते थे कि अब दिल्ली के बादशाह से लड़ाई छिड़ने के दिन दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए धन इकट्ठा करना जरूरी था। फिर सन 1664 में महाराज ने सूरत का नूर उतारकर करोड़ों हूनों की दौलत हासिल की। हासिल की या लूटी? अरे भाई श्रीधर पंत, राज्य क्या सिर्फ तलवार और मीठी बातों के बल पर चलता है? फिर औरंगजेब भी बौखला गया होगा। नहीं, वो भी टक्कर का आदमी था। इस बार इसने राजा जयसिंह को 80,000 की फौज देकर रवाना किया। राजा जयसिंह पुराना खिलाड़ी था। उसने महाराज का सफाया करने के लिए शक्ति और युक्ति दोनों का प्रयोग किया। महाराज चारों तरफ से घिर गए और आखिर उन्हें हार माननी पड़ी। इससे उनके साथी नहीं बिगड़े? क्यों नहीं बिगड़े? महाराज जब पन्हालगढ़ की लड़ाई में मुगलों के साथ शामिल हुए तो उनके सेनापति नेताजी पालकर जानबूझ के देर से पहुंचे और महाराज पराजित हुए। जब नेताजी को निकाल दिया गया तो वो झट से आदिलशाहियों से जा मिले। यहाँ राजा जयसिंह को चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराज भी आदिलशाहियों से मिल जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि महाराज दिल्ली जाकर बादशाह से स्वयं मिले।
राजा साहब, अगर आगरा में हमारे साथ दगाबाजी हुई तो? राजा शिवाजी, आपके साथ दगाबाजी करने का साहस कौन कर सकता है? लोगों में तो आम है कि आप में एक दैवी शक्ति है जो हर बार आपको संकट से बचा ले जाती है। हाँ, देखना है इस बार संकट का निवारण कैसे होता है। ये संकट नहीं, स्वर्ण अवसर है। आप हमारी बात मानिए और आगरा जाइए। और फिर आप अपनी तरफ से तो नहीं जा रहे, बादशाह ने आपको बुलावा भेजा है। हो सकता है वो आपको दक्कन का सूबेदार मुकर्रर करें, वही दक्कन जो आज तक मुगल सेनापतियों के लिए दफनगाह साबित होता रहा है। क्या पता शायद आपके हाथों वहां हुन बरसे। मुगलों की चाकरी में बड़े खतरे हैं राजा साहब। दक्कन का राजा ही हमें स्वीकार कर ले तो बहुत है, लेकिन हमें उसकी नियत पे शक है। राजा शिवाजी, आप बेखटके आगरा जाइए, आपका बाल तक बांका नहीं हो सकता है। हमारे बेटे युवराज राम सिंह आपकी देखभाल करेंगे। हम आपको वचन देते हैं, अगर बादशाह आपको धोखा देता है तो हम भवानी माता के चरणों में अपना मस्तक चढ़ा देंगे। सूबाए दक्कन से सरदार शिवाजी। राजा साहब, नजराना पेश कीजिए। कहाँ खड़ा किया गया है? 5,000 ही मनसबदारों में। 5,000 की मनसबदारी तो इस बच्चे संभाजी को दी गई है, ये हमारे सामने कौन खड़ा है? राजा जसवंत सिंह। ये भगोड़ा जो हमारी फौज को अपनी पीठ दिखा चुका है, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। राजा साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? राम सिंह, तुम अपने बादशाह से जाके पूछोगे वो क्यों हमें जलील कर रहा है। जब से आए हैं हमारा अपमान किया जा रहा है। हमारे स्वागत को कौन भेजा जाता है? एक मुंशी। हमें 5,000 में खड़ा किया जाता है जसवंत सिंह के पीछे। हमें सिर्फ सरदार कहा जाता है। कहां के सरदार? हम स्वतंत्र सार्वभौम राजा हैं, किसी के झंडा बरदार नहीं। राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा तुम्हारा बादशाह? हमारा सर उड़ा देगा, यही ना? हमें इसकी परवाह नहीं। राजा साहब, हमारा अनुरोध है, आप चाहें तो। हम चाकरी करने नहीं आए हैं, हम नहीं जाएंगे। शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से उठकर चल दिए, क्या हम इसकी वजह पूछ सकते हैं? दक्कन के राजा को 5,000 के बीच खड़ा करना क्या आपको शोभा देता है? जाहिर है, इतना छोटा ओहदा आप कबूल करने को तैयार नहीं। यह हमारे कारकुनों की गलती है। हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। आपके भाइयों के साथ क्या सलूक किया गया है यह हमें अच्छी तरह मालूम है। शिवाजी, हम आपकी साफ गोई की दाद देते हैं, हम मराठों के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलहनामा चाहते हैं कहें, हमें मंजूर है। हम आपकी तख्त नशीनी को भी मंजूरी बख्शने के लिए तैयार हैं। यानी हम आपकी इजाजत के साथ राज्य अभिषेक करा सकते हैं? आप बहुत जल्द खफा हो जाते हैं। इस मुल्क में चला आता 200 साल पुराना दस्तूर यही रहा है। मुगल साम्राज्य खुद 200 साल पुराना नहीं है हुजूर। और बाकी राजा दिल्ली की मेहरबानी के मोहताज रहे, ये परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं है। मगर इन 100 सालों में किसी ने आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। अनेक वर्षों के बाद दक्कन के एक हिस्से में हमने अपना राज्य बसाया, जहां इससे पहले बद इंतजामी के अलावा और किसी का राज नहीं था। क्या वहां की बद इंतजामी के जिम्मेदार हम हैं? वो इलाका आपका था कब? आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है,
कि आपने अपने बुजुर्गों की बनाई हुई लीक को छोड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने क्या कर दिखाया है इसे हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। आपने जो नीतियां अपनाई हैं उससे देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत के तुम हमारे सामने हमारी तबाही की बात करो? अगर हमने राजा जयसिंह से वादा ना किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। हम तुम्हें रुख्सत देते हैं। पर साहब, अगर तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह, इसे सलाबत खां की हवेली में रखा जाए, कड़े पहरे के साथ। ना अपना, हमारे वाले साहब, चार पांच महीनों तक महाराज को बंदी रखा गया। शिवाजी महाराज ने बादशाह औरंगजेब के नाम कई सिफारिशें भेजी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, मगर कोई जवाब नहीं मिला। महाराज के अंगरक्षक राम सिंह के आदमी थे, अब बाहर शाही फौज का कड़ा पहरा था। फिर बादशाह ने राम सिंह को हुक्म दिया कि महाराज को खत्म कर दिया जाए। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कुंवर राम सिंह, सलावत खां, आप लोग इस वक्त यहां, खैरियत तो है? राजा साहब, बादशाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपने सिपाहियों का पहरा यहां से हटा दूं। और यह भी सुना है कि आपको किसी और जगह ले जाया जाएगा। क्या बादशाह हमारा काम तमाम कर देना चाहता है? हम बहुत असमंजस में पड़ गए हैं राजा साहब। एक तरफ बादशाह का हुक्म, दूसरी तरफ पिता को दिया वचन। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको वचन से मुक्त कर दें? उससे क्या होगा राजा साहब, एक बार मेरे पिता ने वचन दिया है तो मैं भी उससे वचनबद्ध हूं। राजा साहब, हम ये चाहते हैं कि आप यहां से फरार हो जाएं। जब तक आप हमारी इस हवेली में हैं ये तब तक ही मुमकिन है। बाद में आपको फौलाद खां कोतवाल की हिरासत में रखा जाएगा। मगर हवेली पर भी तो फौलाद खां के सिपाही होंगे। आप कल सुबह सबसे पहले शहर के गरीबों में मिठाइयां बंटवाइए। मिठाइयां? लेकिन उससे पहले आपको सख्त बीमारी की वजह से पलंग पकड़ना होगा, क्योंकि यहाँ रिवाज है बीमारी में मिठाइयां बंटवाने का। रोज यहाँ से शहर की तरफ आपको बड़ी बड़ी डालियां जाती हुई दिखाई देंगी। शुरू शुरू में सख्ती से मुआयना होगा, बाद में पहरेदार इसके आदि हो जाएंगे। रोज डालियां आई नहीं भरवाई, रखी ना दक्षिणा मिठाई। हम शकल ही रोज बुलवाया, कपड़ा उसे अपना पहनाया, अपने जैसा पलंग पे सुलाया, खुद भी चाकर का भेष बनाया। अपना बेटा डाली में बिठाया, अपने कंधों पे भार उठाया। बना था राजा डालियां तैयार। डालियों की हुई पड़ताल, न आया खयाल कि अंदर कैसी मिठाई थी। राजा ने जुगत भिड़ाई थी, भवानी पूरी सहाई थी। उड़ गया पिंजरे का पंछी, जी 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 जी, उड़ गया पिंजरे का पंछी, जी 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 जी। युक्ति से शक्ति रही ओछी, जी 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 जी, युक्ति से शक्ति रही ओछी। महाराज आगरे से कैसे गायब हो गए इसके बारे में कई अटकलें लगाई गई हैं। एक फ्रांसीसी लेखक का कहना है कि खुद औरंगजेब ने उन्हें गायब हो जाने दिया, क्योंकि औरंगजेब उनका आगरे में क्या करता। वाह वाह वाह, बड़ी मेहरबानी की उसने। अरे महाराज सही सलामत लौट आए यही बहुत है। उसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने सारे किलों पर अधिकार जमाया, राज्य की इंतजाम की ओर ध्यान दिया। अब समय आ गया था कि महाराज मूर्धाभिषेक छत्रपति बने, लेकिन वो भी कोई आसान काम था। अरे हाँ, कुछ पंडितों का कहना था कि वे संस्कार विहीन थे। अरे बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए, फिर काशी के पंडित विश्वेश्वर शास्त्री गागा भट्ट ने शास्त्रों के प्रमाण पेश किए, तब कहीं जाकर किले रायगढ़ में
जून 1674 में महाराज का राज्याभिषेक पंडित गागा भट्ट के हाथों संपन्न हुआ। श्रीधर पंत, ये दृश्य आज भी हमें दिखाई दे रहा है। स्वस्ति न इंद्रो रद्दश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न सारथो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो सुअंभ पर रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पान बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस बाह पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम डुंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण विपुल महाराज की जय, पर क्यों मले छपंस पर शेर शिवराज है, क्यों मले छपंस पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज वृद्धता की तरफ झुक रहे थे, फिर भी राज्याभिषेक के बाद उन्होंने दूर दक्षिण तक आनंदवन भुवन स्थापित कर दिखाया और 3 अप्रैल 1680 के दिन महाराज इस लोक को छोड़कर कूच कर गए। विजय गाथा समाप्त हो गई। आज 10 बाद फिर गढ़ आना हुआ है। संपतराव, सन 1883 में आया था, याद है ना? तब से आज तक आप शिवाजी महाराज की कथा सुना रहे थे। मैं कहने जा रहा था, आप गढ़ से उतर सकते हैं। कैसे? हम नहीं समझे। 10 पहले आपने कहा था कि महाराज का हुक्म नहीं है, हम गढ़ छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अब चल रहा है सन 1893। अपने गंगाधर पंत टिड़क है ना, उनके सपूत बलवंतराव टिड़क ने शिव जयंती का उत्सव शुरू किया है। शिवाजी महाराज दोबारा आए हैं संपतराव, आइए उनका स्वागत कीजिए। शिवाजी की मौत के कुछ दशक बाद मराठों का प्रधानमंत्री जो पेशवा कहलाता था, राजा पर हावी होकर असली सत्ताधारी बन बैठा। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला इतना कमजोर हो गया था कि उसने सारे दक्कन में चौथ वसूल करने का मराठों का अधिकार मंजूर कर लिया। इतना ही नहीं, पेशवा बाजीराव ने मालवा, गुजरात और मध्य भारत पर भी कब्जा जमा लिया। 1737 में उसकी फौजें सीधे दिल्ली के दरवाजों पर जा पहुंची।
ऐसा लगता था पूरे हिंदुस्तान पर मराठा छा जाएंगे। उत्तर भारत पूरी तरह पस्त और बर्बाद हो गया। फिर नादिर शाह के जानशीन अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत के पुराने जंगी मैदान में मराठों की एक बड़ी फौज को बुरी तरह हराया। पानीपत की हार ने मराठों को ऐन उसी वक्त कमजोर किया जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत बनना चाह रही थी। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।